हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वन ऑफ यू। तो हम लोग अपना ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का चैप्टर जो हम लोगों ने नाइन्थ चैप्टर शुरू कर रखा उप संयोजक यौगिक, आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो उसके अंदर हम लोगों ने कल लास्ट जो पढ़ा था अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल फील्ड पढ़ लिया था, CFT। अष्टफलकीय यौगिकों में कैसे होगी, अष्टफलकीय यौगिकों के अंदर हम लोगों ने देखा था दो भागों में डिवाइड हो जाते, एक हो जाता आपका T2G सेट और एक हो जाता आपका EG सेट। T2G सेट नीचे आता है, EG सेट कहाँ आता है, ऊपर आता है। T2G सेट के अंदर आते हमारे DXY, DYZ, DXZ जो आपके कक्षक होते हैं, क्योंकि ये जो कक्षक होते हैं इनकी पालिया इन बिटवीन द एक्सिस होती है, यानी एक्सिस के बीच में होती है, इसलिए लिगेंड के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आते। जबकि अगर हम बात करें EG कक्षकों में, तो EG कक्षक के अंदर आते DX² - Y² और DZ², तो उनकी जो पालियां होती हैं वो अक्षों के ऊपर होती हैं, इसलिए वो लिगेंड के क्या आते हैं, डायरेक्टली टच में आते हैं। तो लिगेंड के डायरेक्टली टच में आते हैं, दैट्स वाई उनमें रिपल्शन ज्यादा होता है। ओके, तो आज जो हम लोग नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चतुष्फलकीय यौगिकों के अंदर कैसे क्या होती है CFT होती है, यानी कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बाद अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर देखिए पहले। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय यौगिकों में CFT। अब चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर पहले आपको पता होनी चाहिए कि चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होती कैसी है। तो टेट्राहेड्रल में आपको पता है कितने लिगेंड जुड़े रहते हैं, चार। ठीक है, टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड जुड़े होते हैं, चार। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होता है मेटल एक लिगेंड यहाँ पे, इस प्रकार से क्या होती है ये स्ट्रक्चर होती है। ये आपकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, चार लिगेंड है, ठीक है, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में मेटल के पास कितने लिगेंड आएंगे, चार लिगेंड आएंगे। और हमें पता है लिगेंड हमेशा किधर आते हैं, एक्सिस के थ्रू आते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पर हम एक्सिस बनाते हैं, एक्सिस, तो ये आपकी बनी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपकी y एक्सिस और ये आपकी z एक्सिस, और ये एक्चुअली z एक्सिस थोड़ा सा ट्विस्ट हो गई है, तो ये ऐसे नहीं बनके, ये हो गई आपकी z एक्सिस, ऐसे ये y, ये z है ना। अब देखो लिगेंड कहां से आ रहा है, ये आ रहा, ये आ रहा, एक तो लिगेंड ये रहा, एक आपका लिगेंड ये आ रहा है ना, और एक आपका लिगेंड ये आ रहा है, और एक आपका लिगेंड आ रहा है ये। अब मुझे एक बात बताना कि यहां पर कौन से ऐसे कक्षक हैं जिनकी पालियां लिगेंड के डायरेक्टली टच में है, कौन सी ऐसे कक्षक होंगे। आपको इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो पाली होगी वो लिगेंड की क्या होगी, डायरेक्टली टच में, क्योंकि लिगेंड क्या आ रहा है, इधर से ही तो आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे आएगी तो ये डायरेक्टली टच में, ऐसे ही यहाँ पे जो पाली होगी, यानी जो बीच में जो पालियां हैं, कहाँ पर जो बीच में जो पालियां हैं वो क्या आ रही है, लिगेंड्स के डायरेक्टली टच में आ रही है। क्योंकि आपको पता है देखो इन एक्सिस के बीच में ये है, तो लिगेंड क्या है, इसके टच में आ रहा है। ऐसे अगर इन एक्सिस के बीच की बात करें तो लिगेंड इधर से आ रहा है, तो इसी में, यानी कि यहाँ पर कौन सी पालियां, जो बीच में जो पालियां हैं, कौन किसके बीच में, एक्सिस के बीच में जो लॉब्स हैं उन पर प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा, उन पर प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा, लेकिन वो भी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आ रही है। लेकिन ये देखो देखो जैसे ये वाली है, अगर हम इसकी बात करें, यहां से जो लिगेंड आ रहा है, तो यहाँ पर पाली थोड़ी सी इधर से दूर है और इसके डायरेक्टली टच में है। लेकिन आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि जो ऑक्टाहेड्रल होता है तो उसके अंदर तो कौन सी पालियां,
लिगेंड के डायरेक्ट टच में आती है, जो अक्षों के ऊपर होती है। लेकिन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसके अंदर जो बीच में जो पालियां हैं वो लिगेंड के क्या आ रही है, डायरेक्टली टच में, क्योंकि लिगेंड इन एक्सिस से आ रहे हैं, लिगेंड तो इन एक्सिस से आ रहे ना, ये जो स्ट्रक्चर में जो एक्सिस है। अलग अलग कलर बना के देख लेना आप, अलग कलर के पेन यूज करके देख लेना, मेरे पास तो मार्कर का एक ही कलर है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। बट आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सिस को अलग कलर से शो कर सकते हो, और इसको आप लोग क्या करना है, शो करना है कि यहाँ पर जो ये लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स किन पालियों के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में। इतना तो सिंपल सी चीज है, इतनी तो समझ आ जाएगी कि लिगेंड यहाँ पर किस पालियों के डायरेक्टली टच में है। जो पालियां बीच में है, सीधी सी बात है, तो जो पालियां बीच में होंगी, जिनकी लोब्स बीच में होंगी, उनके लिगेंड क्या होंगे, डायरेक्टली टच में, तो उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा, और दूसरों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। आप देखना, आपको पता होना चाहिए कि जिन कक्षों की पालियां जो बीच में होती है, तो ऐसे कौन सी होते हैं, ऐसे होते हैं आपके DXY, DYZ और DXZ। तो यानी कि इनके जो इनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, इनके अंदर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो इनकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा, इनकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब इनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी तो यानी कि यहाँ पर जो हम लोग T2G बोल रहे थे, वो T2 सेट तो क्या चला जाएगा, ऊपर, और जो हमारा EG सेट हो जाएगा वो कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जब CFT होती है, जब क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग ऐसी होती है, डीकक्षक दो में डिवाइड होते हैं, तो उस टाइम पे ऑक्टाहेड्रल से जस्ट क्या होता है, अपोजिट। यहाँ पर क्या होता है, जो T2G ऑक्टाहेड्रल में नीचे था, अभी टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, ऊपर, और जो EG ऊपर था वो क्या आ जाएगा, नीचे। इतनी चीज समझ आई। और एक चीज देखना, ऑक्टाहेड्रल के अंदर यानी अष्टफलकी के अंदर छह लिगेंड थे, तो इसलिए प्रतिकर्षण ज्यादा था। तो वहां पर ये जो गैप होता है आपका, यहाँ पर ऐसे स्प्लिटिंग का, ये गैप भी क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की, तो यहाँ पर सिर्फ 4 लिगेंड है, तो यहाँ पर लिगेंडों की संख्या कम है, तो इस वजह से ये जो, अगर मान लो यही इसी चीज में अगर टेट्राहेड्रल, तो वो इतना ही हो पाएगा। तो जितने ज्यादा लिगेंड्स होंगे उतनी ज्यादा हमारी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ पर 4 लिगेंड है, इसलिए स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से क्या होगी, कम, और ऑक्टाहेड्रल से क्या होगी, अपोजिट। अपोजिट कैसे, कि यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं डायरेक्टली टच में उनसे आते हैं, जिनकी पालियां अक्षों के बीच में होती है, और अक्षों के बीच में T2G सेट की होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, T2G सेट की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। तो अष्टफलकी से जस्ट उल्टा यहाँ पर क्या बनता है, आपका डायग्राम बनता है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो कैसे समझेंगे, देखिए, यहाँ पर एक दो पॉइंट क्या है हमारे, कि यहाँ पर कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है, तो हमारा जो स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग का मतलब समझते हो ना, विभाजन, विपाटन, स्प्लिटिंग का मतलब विपाटन, जो ये गैप होता है ये क्या होगा आपका, कम, किससे, 6 वाले से, जो यानी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर से। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर से ये वाला स्प्लिटिंग क्या होगा, कम, और क्या होगा, अपोजिट। अपोजिट कैसे होगा, कि यहाँ पर T2G जो सेट है वो तो आ जाएगा हायर एनर्जी का, और EG सेट हो जाएगा वो हो जाएगा लोअर एनर्जी का। इतनी चीज समझ आई। अब एक चीज और देखना, देखो यहाँ पे एक चीज और क्या बता रही हूँ, कि टेट्राहेड्रल के अंदर कभी भी G नहीं लगाते। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको T2 में स्टार्टिंग में T2 बोला था वैसे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बोल देती T2E, तो सोचते कि G कहाँ गायब हो गया। तो देखो टेट्राहेड्रल के अंदर हम G क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है, जीरेड स्ट्रक्चर होती है। जीरेड मतलब क्या होती है, सममित प्रकार हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, तो आधी आधी इसको आधे में बांट सकते हैं ना, काट सकते हैं। यानी कि अगर जहां पर प्लेन प्रेजेंट हो जाता है वो जीरेड स्ट्रक्चर मानी जाती है, ठीक है। जितना आपका आवेश ऊपर होता है, अगर उतना ही आवेश उसके जस्ट अपोजिट साइड प्रेजेंट होता है तो भी वो स्ट्रक्चर जीरेड कहलाती है। तो ऑक्टाहेड्रल में तो ऐसा पाया जाता है, इसलिए इसके लिए आगे G लगा देते हैं। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, तो टेट्राहेड्रल के अंदर बताओ जरा, हो सकता है क्या ऐसा, 3 लिगेंड नीचे है, 1 लिगेंड ऊपर है, कहीं से भी जीरेड नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे हम लोग G काउंट
नहीं करते हैं, तो टेट्राहेड्रल के अंदर अगर आपको बुक वगैरह में मिल भी जाए तो देखो छोटे क्लास में एमएससी लेवल की एमएससी में तो ये नहीं यूज करने देते, लेकिन अभी आपको कर भी जानी है तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आपको पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल के अंदर हम जी काउंट नहीं करते हैं। टेट्राहेड्रल में जी इसलिए नहीं लगाते क्योंकि टेट्राहेड्रल की जीरेट ज्योमेट्री नहीं होती है। ओके, तो अब हम स्प्लिटिंग की बात करते हैं। तो पहली चीज तो हम लोगों ने क्या बताया कि ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होगी वो ज्यादा होगी, टेट्राहेड्रल में कम होगी। और एक चीज देखो कि जो ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिट टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है वो होती है आपकी 4/9 ऑक्टाहेड्रल, यानी कि अगर डेल्टा टीडी यानी कि डेल्टा ये क्या है, ये इनके बीच में ये जो गैप आता है हमारा इनके बीच का बताया था हमने, कल हमने पढ़ा था डेल्टा ओ, ठीक है। तो ये जो डेल्टा टी है वो 4/9 होता है किसका, डेल्टा ओ का। ये रिलेशनशिप आपको अच्छे से याद करना है। ये याद क्यों कर रहे हैं कि इन दोनों में पूछा जाता है रिलेशनशिप क्या होता है, तो डेल्टा टी डी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ, यानी कि इसकी जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल से क्या मिलेगी, कम। क्या रीजन है कम मिलने के, पहला कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर 6 लिगेंड्स होते हैं और टेट्राहेड्रल के अंदर 4 लिगेंड होते हैं, फर्स्ट रीजन तो ये है। और सेकंड रीजन ये है कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं और जो लिगेंड्स जो कक्षकों की जो पालियां होती है वो बहुत ही ज्यादा टच में आती है क्योंकि कक्षकों के ऊपर होती है, जबकि अगर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बात करें तो टेट्राहेड्रल में जितना टच में जितना कॉन्टेक्ट में ऑक्टाहेड्रल में आती है उतनी नहीं आ पाती है, इस वजह से उनकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा रिपल्शन नहीं हो पाता, तो इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण ऑक्टाहेड्रल की कंपैरिजन में कम होता है। ओके, दैट्स व्हाई आल्सो एनर्जी मोर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या होती है, कम होती है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में पूछा जाए तो स्प्लिटिंग ज्यादा किसके अंदर होगी, आपकी ऑक्टाहेड्रल के अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर कम होगी। और दोनों में रिलेशन क्या होता है कि डेल्टा जो टीडी है यानी कि जो गैप है टेट्राहेड्रल का वो ऑक्टाहेड्रल का कितना होता है, 4/9। अब हम पढ़ते हैं क्या कि टेट्राहेड्रल का जो डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये हुआ थोड़ा हायर एनर्जी पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना हमें, स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिटिंग करनी है। बराबर करना है एकदम से, अब की बार नीचे कौन आएंगे, ईजी कक्षक और ऊपर T2G कक्षक, तो इसलिए हम लोग T2 और E, ठीक है। ई में आएंगे dx²-y²dz², यहाँ पर dxy dyz dx², ओके, ये वाले आएंगे। फिर अब देखो गैप के बारे में कल मैंने बताया था, जो गैप इनके बीच में होता है वो होता है आपका tan dq, तो इसमें भी वही रहेगा, ठीक है। और इस गैप को हम लोग बोलेंगे क्या, डेल्टा टी या डेल्टा टी डी भी बोलते हैं। ये टी क्या शो करता है, टेट्राहेड्रल का, और ओ क्या शो करता है, ऑक्टाहेड्रल का। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, इसको हम CFSC क्रिस्टल फ्लूइड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं इतने गैप की तो ये आपकी वैल्यू किसके बराबर होगी, +0. अब की बार क्या आ जाएगा ऊपर, 4। मैंने बताया था आपको कक्षकों को इससे गुणा करके देख लेना, नीचे वाले कक्षकों को यहाँ पे जो वैल्यू लिखो उससे गुणा करके देख लेना, अगर बराबर आए तो इसका मतलब आपने सही लिखा है, डेल्टा टी और डेल्टा टी, ठीक है। तो 6 × 12 होता है 1.2, यहाँ पे भी 4 × 3 = 12 होता है 1.2। अब यहाँ पे देखना नीचे आएगा माइनस का और ऊपर आएगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो क्या है, समभ्रंश है, ये समभ्रंश मीन्स जिनकी ऊर्जा सब पे क्या है, समान है। यहाँ पे हमने लिगेंड फील्ड लगा दी है और यहाँ पे लिगेंड के कारण स्प्लिटिंग हो गई है,
लिगेंड के कारण ये वाली स्प्लिटिंग हो गई है। अब एक चीज और देखना कि इनकी ऊर्जा उच्च हो गई, ये दो भागों में बट गई, ये हो गई। अब इनकी सीएफएससी अगर हम करें तो सीएफएससी कैसे निकालोगे? ऑक्टाइडल की निकालनी बता दी मैंने, अगर इस टेट्राइडल की निकालनी हो तो टेट्राइडल की सीएफएससी कैसे निकालेंगे? नीचे क्या है, -0.6 डेल्टा टी एन, नीचे कौन सा आएगा, ई, तो ई, फिर +0.4, ऊपर क्या आएगा, टी टू। तो पहले तो ये लगाओ, डेल्टा टी एन टी टू और प्लस में टी। बहुत जगह ये मिलता है, बहुत जगह ये नहीं भी मिलता है, ठीक है, तो इसमें कोई खास वो नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे निकाल सकते हैं कि इसकी एनर्जी सीएफएससी कितनी होगी। तो मान लो आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पर डी फोर सिस्टम की, पहले डी थ्री की देख लो, डी थ्री के यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तीन, ठीक है, तो वो तीन इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएंगे, एक दो। अब देखो डी टू होता अगर तो हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देते, कोई टेंशन ही नहीं थी। अब एक चीज देखना, यहाँ पर इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स चतुष्फलकीय यौगिकों में क्योंकि ये गैप हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कम होता है, तो गैप कम होता है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होते, सीधा कहाँ चले जाते हैं, ऊपर। तो ऊपर चले जाते इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले कक्षकों में भर जाते, तो कौन से चक्रण हमें मिलते हैं, उच्च चक्रण संकुल। देखो नीचे भरे जाते हैं तब तो हमें कौन से संकुल मिलते हैं, निम्न चक्रण संकुल, और अगर नीचे न भर के सीधा ऊपर चले जाते हैं तो क्या होते हैं, उच्च चक्रण, यानी नीचे पेयरिंग होने की बजाय वो ऊपर भरे जाए तो क्या होंगे, उच्च चक्रण, ठीक है। तो अगर हम डी थ्री की बात करें तो यहाँ पे चतुष्फलकीय में स्पेशली ये लाइन अंडरलाइन करके लिख लेना कि चतुष्फलकीय यौगिकों में सदैव ही उच्च चक्रण संकुल मिलते हैं। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर हमेशा हमेशा ये वाला जो गैप होगा ये कम होगा और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। वहां पर दो केस बन रहे थे, ऑक्टाइडल के अंदर दो केस बन रहे थे जिसमें निम्न चक्रण में बन रहा था उच्च चक्रण, लेकिन यहाँ पर एक ही केस बनता है, क्यों, क्योंकि ये गैप हमेशा क्या होता है, कम, चार लिगेंड की वजह से, इसलिए पेयरिंग एनर्जी हमेशा क्या होती है, ज्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले सारे क्या होते हैं, ऊपर फिलअप हो जाएंगे, उसके बाद ही पेयरिंग होना शुरू होगी, पहले आप तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर नहीं सकते हो। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ऑलवेज, अगर डी थ्री की बात करेंगे तो तीसरा कहाँ जाएगा, ऊपर, ओके, समझ आया। तो अगर हम डी थ्री की सीएफएससी निकालेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस का 0.6 डेल्टा टी कितने हैं, ई के अंदर दो, तो दो प्लस 0.4 एक है, तो एक डेल्टा टी, फिर यह आ जाएगा माइनस का 1.2 और प्लस का 0.4 तो हो जाएगा 0.8 माइनस का, वो भी डेल्टा टी। ये आपकी क्या निकल जाएगी, सीएफएससी, किसके लिए, डी थ्री के लिए। याद क्या रखना है कि चतुष्फलकीय यौगिकों में हमेशा हमेशा कौन से चक्रण संकुल बनते हैं, उच्च चक्रण संकुल हमें प्राप्त होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में गैप क्या होता है, कम होता है, इस वजह से पेयरिंग होने के बजाय इलेक्ट्रॉन ऊपर जल्दी चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डेल्टा टी एनर्जी है वो कम होती है, पेयरिंग ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए डेल्टा टी को ही पार करके वो क्या चल जाते हैं, ऊपर। ऐसे अगर डी फोर की बात करेंगे तो डी फोर में यहाँ पे भरा जाएगा, ऐसे डी फाइव की बात करेंगे तो डी फाइव में यहाँ पे भरा जाएगा, फिर अगर डी सिक्स की बात करें तब जाके यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होना शुरू होगा, ओके, समझ आ गया, ठीक है। तो ये आपका टेट्राहेड्रल का खत्म हो गया। उसके बाद एक आपका छोटा सा टॉपिक आता है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके कलर। देखो मोस्टली चैप्टर हमारा कंप्लीट ही है, उसके बाद बस उपयोग और इनके यही रहे हैं, तो हमारा ना जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि जो कलर उपसंसी हो जाए यौगिकों के कलर। तो कलर में देखो क्या होता है कि जब भी मान लो हम लोग किसी भी उपसंसी यौगिक पे जो लाइट डालते हैं तो हम लोग जो श्वेत प्रकाश डालते हैं इसमें, तो इसमें से ये कुछ ही जो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, तो जिस प्रकाश को ये अवशोषित करता है
जिस प्रकाश को ये अवशोषित करता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी उसका पूरक रंग क्या होगा हमें दिखाई देगा। जैसे कि मान लो अगर ये एक आप लोग ये याद कर लो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे, ये आता है आपका कलर्स का। इसमें क्या देखो कि अगर ब्लू कलर को अब्सॉर्ब करेगा तो ऑरेंज कलर दिखाई देगा, ऑरेंज कलर को अब्सॉर्ब करेगा तो ब्लू कलर हमें दिखाई देगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का येलो कलर है तो उसने वायलेट कलर को अब्सॉर्ब किया, अगर वायलेट है तो उसने येलो कलर को अब्सॉर्ब किया है, ग्रीन है तो रेड को अब्सॉर्ब किया, रेड है तो ग्रीन को अब्सॉर्ब करेगा। तो याद रखना जिसके जितनी ज्यादा इसे स्प्लिटिंग होगी ना, जितना ज्यादा ये वाली स्प्लिटिंग है उसकी उतनी छोटी लैम्डा होगी यानी तरंग दैर्ध्य उतनी कम होगी, क्योंकि लैम्डा और एनर्जी का, क्योंकि देखो ये वाली स्प्लिटिंग ज्यादा है, ये स्प्लिटिंग ज्यादा है, इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो कि एनर्जी वहां पर क्या है, ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है तो वेव लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपको कलर के बारे में याद रखना है कि जब भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है अगर आपकी श्वेत रंग को अवशोषित करता है तो उसके पूरक रंग को वो क्या करेगा, दिखाएगा। कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा, पूरक रंग होगा। तो अगर उसने ब्लू किया है तो ऑरेंज, येलो किया है तो वायलेट, ग्रीन किया है अब्सॉर्ब तो रेड कलर दिखाएगा। अगर इनको अब्सॉर्ब किया है तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ये हैं। तो आप इसको साइड में बना लेना अच्छे से, ये आपको क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करें, स्थायित्व की बात करें, तो देखो एक रूल होता है हमारा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में जो चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जल में विलय नहीं होता, उसमें आयंस जो बाहर वाले आयंस होते हैं सिर्फ वही डिजोल्व हो जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेबल ही होता है। वैसे तो वाटर से तो वो सॉल्युबल होते ही नहीं है, ठीक है, तो वैसे तो इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। फिर भी अगर हम मान लें कि कोई भी मेटल एन प्लस है वो कितने मान लो 6 लिगेंड्स के साथ में जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है, Ml6 बना रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग कौन सी बात करते हैं, द्रव्यनुपाती क्रिया नियम, द्रव्यनुपाती क्रिया नियम के अनुसार जो हमारा वेग होगा वो इसका क्या डायरेक्टली जो समानुपाती है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन जो हमारी है और अपॉन जो हमारा और एल माइनस, ठीक है। तो अब एक चीज देखना कि यहां पर ये जो के है, अगर इस k की वैल्यू, ये स्थायित्व तो स्थिरांक है, इसकी स्थिरांक की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इस कॉम्प्लेक्स ये वाला कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो यानी कि ये वाला स्थायित्व तो भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही तो है, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है यानी कि जितनी k की वैल्यू उतना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हाई, और जितनी k की वैल्यू यानी कि ये वाला हाई, तो ये तो टूटा हुआ है और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो अगर इस रिएक्शन में इसकी वैल्यू हाई है, मतलब ये क्या वहां किधर की तरह कौन ज्यादा बन रहा है, ये ज्यादा बन रहा है, यानी वहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपका है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि जो उपसंयोजी जो यौगिक है वो स्थाई है, अदरवाइज स्थाई नहीं है, ठीक है। फिर इसकी स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं, तो कारक को कौन कौन से प्रभावित करते हैं, यानी कि अगर हमारा फर्स्ट जो कारक की बात करें तो वो होता है हमारा आवेश, किस पर, मेटल पर। देखो किसी मेटल पे अगर +2 आवेश है, किसी मेटल पे अगर +3 आवेश है, तो जिस पर प्लस जिस पर जितना ज्यादा चार्ज होता है वो मेटल, जिस धातु पर जितना ज्यादा चार्ज होता है वो जो आपका मेटल होता है वो उतना ही स्थाई क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। इज दैट क्लियर, कि जो भी धातु पर जितना ज्यादा चार्ज होता है वो जो आपकी धातु होती है उतना ही स्थाई क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें Fe(CN)6 3- और एक है Fe(CN)6
फोर माइनस, इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एफ के ऊपर कैसा चार्ज है प्लस थ्री और यहाँ पर एफ के ऊपर कैसा चार्ज है प्लस टू, तो सही कौन सा होगा जहां पर एफ के ऊपर कैसा चार्ज है प्लस थ्री। ठीक है, अब इनमें से आपको सही तो पूछेंगे तो किस प्रकार से बताओगे, मेटल पे चपल उपस्थित चार्ज के बेस पे। अगर मान लो चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो उस टाइम पे त्रिज्या जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे स्थायित्व बढ़ेगा। दैट इज अगर हम बात करें एम मैंगनीज, फिर आयरन, ठीक है, तो इन कॉम्प्लेक्स की बात करें, मान लो इन पर सब पर ही क्या है प्लस टू चार्ज है, तो आपको पता है ये पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाते हैं तो त्रिज्या हमारी क्या होती है घटती है, त्रिज्या घट रही है तो स्थायित्व क्या हो जाएगा इंक्रीज। अभी मैंने क्या बताया कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में त्रिज्या जैसे जैसे घटेगी स्थायित्व वैसे वैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले क्या होंगे इधर इनका क्या लग जाएगा साइन की, इधर वाले कॉम्प्लेक्सेस क्या हो जाएंगे स्टेबल। ओके, तीसरा अगर हम बात करें लिगेंड्स की प्रकृति, लिगेंड्स की प्रकृति पे कैसे होता है, जो जितना ज्यादा स्ट्रांग लिगेंड्स होता है उसका कॉम्प्लेक्स उतना ही क्या होता है स्थाई होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा लिगेंड्स होंगे, लिगेंड की संख्या पे भी डिपेंड करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्थाई होते हैं एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बजाय में ऑक्टाहेड्रल वाले जितने यानी लिगेंड की संख्या भी ज्यादा है तो भी वो क्या होंगे स्थाई होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें किलेटीकरण, किलेटीकरण का मतलब क्या होता है कि जो किलेट लिगेंड्स होते हैं हमारे, किलेट लिगेंड्स कौन से होते हैं बताया भी था मैंने, जैसे इथिलीन डायमीन होता है जिनकी दंतुकता दो से अधिक होती है, दो से अधिक होती है तो वो हमारे किलेट लिगेंड कहलाते हैं। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में किलेट लिगेंड है तो किलेट वलय का निर्माण होगा, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी किलेट वलय बन जाएगी तो वो संकुल क्या हो जाएगा स्थाई। ठीक है, तो किलेट लिगेंड होगा और उस प्रभाव को क्या बोलेंगे किलेटीकरण, किलेटीकरण प्रभाव या किलेट प्रभाव। तो किलेटीकरण या किलेट प्रभाव का मतलब क्या है कि अगर किसी उपसंयोजक यौगिक के अंदर अगर क्या प्रेजेंट है हमारे किलेट लिगेंड प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी ज्यादा होती है। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा बसता उपसंयोजक के महत्व है कि इनके क्या महत्व है। तो देखो जो इनके महत्व है थ्योरेटिकली है याद कर लेना तुम लोग, फिर भी धातु के निष्कर्षण में इनका महत्व की धातु को अलग अलग सेपरेट करने के लिए इन यौगिकों को यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे टेस्ट करते हैं हम लोग प्रथम ग्रुप द्वितीय ग्रुप जो हमारे होते हैं, प्रथम समूह द्वितीय समूह तृतीय समूह, इन सब के पृथक्करण में भी हम लोग उपसंयोजक कई जगह उपसंयोजक का काम में लेते हैं। उसके बाद जैव प्रणाली होती है, जैव प्रणाली क्योंकि एग्जाम के अंदर जैव प्रणाली वाला पूछ लेते हैं तो वो आप जैसे पढ़ लेना। जैव प्रणाली में क्या पूछते हैं कि देखो जैव प्रणाली में एक सिस प्लेटिंग करके होता है, सिस प्लेटिंग इसका क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा भी गया है। सिस प्लेटिन क्या होता है, प्लेटिनम एनएस थ्री का टू और सीएल टू, इसके स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा प्लेटिन है, सिस। सिस का मतलब क्या है कि दोनों जो सेम प्रकार के लिगेंड हैं वो सेम साइड हैं। दैट मीन्स अगर हम बात करें प्लेटिनम के तो ये सीएल इधर, ये सीएल इधर और एनएस थ्री इधर और एनएस थ्री इधर, तो इस प्रकार का जो सिस प्लेटिन है ये कैंसर के उपचार में क्या आता है काम में आता है। तो सिस प्लेटिन को कैंसर के उपचार में काम में लिया जाता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है वो आयरन का संकुल होता है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है एक मैग्नीशियम का क्या होता है एक संकुल होता है। ठीक है, तो ये संकुल ही तो है सारे उपसंयोजक यौगिक ही तो है, तो इनमें क्लोरोफिल भी एक क्लोरोफिल में भी उपसंयोजक काम में आ रहा है। ऐसे ही हम जो हमारे ब्लड में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन है वो भी क्या है एक आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, तो आयरन उसमें है तो वो भी आयरन के संकुल से गिरा हुआ है। अगर हम बात करें साइनोकोबालमिन तो साइनोकोबालमिन में कोबाल्ट का क्या होता है एक संकुल होता है। तो इस प्रकार से ये जैव प्रणाली में क्या आते हैं काम में आते हैं। ओके, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छे से कंप्लीट करिए, पढ़िए, पूरे सारे नोट्स बना लीजिए, फाइनली चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, तो आपके देखो जो इसमें ये जो महत्व है इनमें थोड़ा डिटेल से है, वैसे नोट्स में मिल जाएगा आपको, फिर भी मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया कि जहां से क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो ये है कि इनसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
और जो आपके पृथक्करण में हो सकता है वहां पे कुछ रिएक्शंस वगैरह दी हुई हैं, तो वो आप लोग देख लेना, बहुत ज्यादा कुछ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना कि, क्योंकि आप लोगों को मेन पूछा जाएगा कि कैसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन में कम महत्व है, तो धातु के निष्कर्षण में होता है, जो ग्रुप्स का हम लोग लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करते हैं उनके पृथक्करण में होता है, तो इस प्रकार से आप कोई भी एक दो एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो, ठीक है। और जैव प्रणाली में इनके इनके कितने ज्यादा है ये आप लोग लिख के आ सकते हो। पार्टिकुलरली पूछेगा तो इसके बारे में पूछ सकता है कि जो सिस प्लेटिंग होता है वो किस, या फिर ऐसे पूछ सकता है कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त उपसंस फिजिक यौगिक है वो क्या है। एक आपको पूछते हैं कि साइनोकोबाल्मिन किसका संकुल है, तो कोबाल्ट का संकुल है, ठीक है। चैप्टर कम्प्लीट हो गया है, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछिए, ओके।